नींबू की खटाई हो या टमाटर की खटाई हो या इमली की खटाई हो, वो खटाई केवल दूध फाड़ सकती है। आप नींबू की खटाई दूध में मिलाओ तो फाड़ देगी। नींबू इमली आम की खटाई केवल दूध फाड़ सकती है, पर कपट की खटाई तो भाई भाई के रिश्ते को फाड़ देती है। पति पत्नी के रिश्ते को कपट की खटाई फाड़ देती है। जिठानी के बेटे से जिठानी से कितना कपट है, देवरानी के बेटे और देवरानी से कितना कपट है। सास अपनी बहू के साथ और अपनी बेटी के साथ कितना अलग व्यवहार करती है। बहू आएगी तो देखना भी पसंद नहीं, और बेटी आए गले लगाएगी, अचार भर भर के देगी झोले में भर के, ले चले चले देसी घी, बहू ना देखने पाए चुपके से ले चले चले, एक साड़ी और घुसा देगी झोले में, झोला भले फट रहा है जगह नहीं ठूंसती जा, बेटी के लिए प्यार टपक रहा है। बहू के लिए फटी साड़ी नहीं देती हो तुम, और बेटी आई तो ये दो वो दो, दो हम मना थोड़ी करते हैं, पर बेटी को जितना दे रहे हो बहू को भी दो। वो बहू नहीं है आपकी, वो ही बेटी है आपकी, ये तो आपने दान कर दिया कन्यादान, उसे तो कन्यादान उसका लिया है, वो तो ली हुई है, ये तो दी हुई है। दी हुई से इतना प्यार है, ली हुई से प्यार नहीं है, ये कपट है कि नहीं। बहू के लिए अलग व्यवहार सास का और बेटी के लिए अलग व्यवहार सास का, ये कपट है या नहीं, बोल दो हाँ या ना। इसी को ना कहते हैं कपट, जबकि विपत्ति में काम बहू ही आएगी, बेटी ना आएगी वहां से, लेकिन माओ का प्यार बेटियों में ज्यादा है। बस सास को ऐसा लगता है कि हम बहू के छिप करके बेटी को ये दे दें, वो सब देख रही है, उसे सब पता है। आपकी बेटी आए तो बिल्कुल मान सम्मान दीजिए उसे, साड़ी दीजिए, पायल दीजिए, अचार दीजिए, पापड़ दीजिए, देसी घी दीजिए, लेकिन चोरी से नहीं दीजिए। सास है ना चोरी से देती हैं, बहू की चोरी से, बहू ना देख ले, जबकि बहू ने सीसीटीवी कैमरे चिपका रखा तुम्हारी साड़ी में, उसे सब पता, वो सब देख रही है, और तुम्हें क्या लग रहा है वो नहीं जानती, वो सब जानती है। फिर रात को अपने पति से क्या कहती है, पति बोला जरा अचार लाओ, नहीं है अचार, कहां चला गया, तुम्हारी बहन आई थी पूरा ले गई, भर के तुम्हारी माँ ने दे दिया। पति बोला जरा देसी घी लगाओ रोटी में सूखी चुप, अरे क्या लगाए, आई तो थी चुड़ैल, सब भर के ले गई, सब ले गई, ले भले कुछ ना गई हो पर वो कहेगी सब ले गई, और ये कहने का मौका सासें देती हैं, और ये कपट है, इसे क्या कहते हैं कपट। ये कपट तो तुमसे छूटा नहीं, और नींबू छोड़े बैठी हो, इमली छोड़े बैठी, वो कह रही हो संतोषी माता नहीं मिली, अभी 10-20 पीढ़ी ऐसी बैठी रहेगी तो ना मिलेंगी, जो छोड़ना है वो आप छोड़ते कहां है, है ना मेरी मां। घर में जो आज ना 90% हमारे देश में ननद और भौजाइयों की पटती नहीं है, 90%, 10% तो बहुत अच्छे से रहती हैं बहनों की तरह, बस 90% हमारे देश में ननद भौजाई की नहीं ज्यादा पटती, मतलब तालमेल बनती नहीं बनती। क्यों? इसमें सबसे बड़ा जहर घोलने का काम कर देती है सास, दोनों के रिश्तों को फाड़ देती है, यही कपट करके, चोरी चोरी बैग में भरना, यही सब कर करके। ईमानदारी से दो ना, बहू से कहो बहू जरा बेटी आई है जरा उससे साड़ी, बेटे से बोलो बेटा कल बढ़िया साड़ी लेके आना, तेरी बहन आ रही है देना, अचार दे, जो देना दो, ईमान उसी से दिलवाओ। यदि आप अपनी बहू से दिलवाओगी तो रिश्ते बने रहेंगे, और चोरी करके आपने कपट किया, और फिर ननंद आती है एक दिन के लिए और क्या कहती है, भाभी आप हमारी माँ का ख्याल नहीं रखती, तो भाभी मन में कहती है तू ही रख ले, रह जा यहां, इतनी चिंता तो ले जा घर, आप लोग भी ना इतना उपदेश ना किया करो तुम्हारी भाभी को, तुम अपनी सास का कितना ख्याल रख लेती हो। हर बहू अपनी माँ की तरफ तो देखती है कि मेरी माँ का ख्याल मेरी भाभी नहीं रखती, लेकिन बहू ये नहीं देखती कि मैं भी तो बहू हूँ, मैं अपनी सास का ख्याल रखूँ। यदि हर बहू अपनी सास का ख्याल रखे तो आपकी माँ अपने आप सुखी हो जाए, लेकिन आप अपनी बहू अपनी सास का ख्याल नहीं रखती हो, परंतु माँ की पूरी चिंता है। और सासें अपनी बेटी की पूरी चिंता है, बहू का ख्याल, बेटी का ख्याल है, बहू का ख्याल नहीं है।
यदि सास बेटी से ज्यादा बहू का ख्याल रखने लग जाए और बहू माँ से ज्यादा सास का ख्याल रखने लग जाए तो आधे घर में 90% खुशहाली तो घर में यूं ही आ जाएगी केवल इतने से विचार बदलने से। हाँ या ना, बात सही है या गलत है? लेकिन आप लोग ना बदल नहीं पाते। सास बिल्कुल सास की भूमिका में रहती है, बहू बिल्कुल बहू की। अरे इंसानों की तरह रहा करो, सास की तरह बहू की तरह नहीं, प्यार मोहब्बत से एक ही घर में रहना, हंसते रहो मुस्कुराते रहो और छोटी छोटी बातों को बोला ना करो किसी से। अब आपके घर में क्या समस्याएं हैं, जरा सास बहू की बात हुई नहीं कि आप पड़ोसन के घर जाकर के सास का और बहू का, बहुएं जाके सास का दुख रोती हैं और सासें जाके बहुओं का दुख रोती हैं कि मेरी बहू ने ऐसा कहा, मेरी सास ने ऐसा कहा। और किससे रोते हो आप? पड़ोसियों से। वो पड़ोसी तुम्हारी मजाक उड़ा, अरे इनके घर में तो आग लगी है। एक बात बताएं, शास्त्र कहते हैं कि अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। आप अपने घर की बातें अच्छी हों या बुरी हों किसी से मत कहना, क्योंकि बातें आज हैं कल नहीं रहेंगी, पर आपने कह दिया तो वो सदा आपको कहेगा या कहेगी कि देखो तुमने ऐसा कहा था, ऐसा किया था अपनी सास या बहू के साथ। ये दुनिया जब तुम रो रो के बताते हो ना मेरी सास ऐसी मेरी बहू ऐसी, तो ये दुनिया भी रो रो के सुनती है और आपके जाने के बाद हंस हंस करके बताती है कि इनके घर में ऐसा हो गया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में कितने सुखी हैं या कितने दुखी हैं, दुनिया तो आपके मजे लेना चाहती है। हाँ या ना, इसलिए अपने घर की बातों को अपने घर तक ही सीमित रखा करो। पति पत्नी की बातों को भी किसी से मत शेयर करना, आपका पति अच्छा है बुरा है किसी से मत कहो, आपकी पत्नी अच्छी है बुरी है किसी से मत कहो, किसी से कहोगे तो जमाना आपका मजाक उड़ाएगा, आपकी उस बात को मजाक बनाएगी दुनिया। इसलिए अपनी बातें अपने तक रखो। ये बात सास को भी समझनी है कि आप किसी से घर की बातें ना कहें, और बहू को भी समझनी है कि आप किसी से किसी की बातें ना कहें। एक छोटा सा मैं दृष्टिकोण दे सकता हूं आपको, और वो दृष्टिकोण क्या है, ये है आज से जितनी सास मेरी बात सुन रही हैं, आज मैं एक सूत्र दे रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को जपोगी ना तो कभी आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। और वो मंत्र क्या है, कहीं भी जाओ तो अपनी बहुओं की खूब तारीफ करो, कहीं भी जाओ तो अपनी बहू की खूब तारीफ करो कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, औरों से बहुत बढ़िया है, बहुत ख्याल रखती है। और जहां बहू हो परिवार में, रिश्तेदार कहीं भी जाओ, क्या होता है परिवार में कुछ लोग आपकी सुन करके और उनको उल्टा बता देते हैं। कहीं भी जाओ तो बहू की तारीफ करो तो लोग बाद में क्या कहेंगे आपके पीठ पीछे, आपकी बहू से सुनो आपकी सास आई थी बड़ी तारीफ कर रही थी। यदि आपकी बहू आपकी सेवा नहीं करती, आपको रोटी नहीं देती माना कि, और आप फिर भी कहें कि मेरी बहू बहुत अच्छी है बहुत सेवा करती है, और फिर जमाना जब कहेगा बहू से कि तेरी सास तो तेरी बहुत तारीफ करती है, तो जब वो ये सुनेगी कि मैं तो रोटी भी नहीं देती और मेरी सास मुझे अच्छा कह रही है, तो इस भाव से अपने आप उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा कि देखो मैं तो इसके साथ क्या कर रही हूँ और ये मेरे साथ क्या कर रही है। और आप उल्टा करते हैं, बहू रोटी देती भी होगी तो आप क्या कहती हो, नहीं हमारी बहू तो ठीक से बात भी नहीं करती, रोटी भी नहीं देती, ऐसे थाली पटक के चली जाती है। कभी बहू थाली रख रही थी और साड़ी फंस गई और थाली गिर गई तो सास को क्या लगा, पटक के चली गई, वो रखी थी पर वो अब सारी जिंदगी यही कहेगी हमारी बहू तो पटक के चली जाती है थाली ऐसी है। किसी के दोष क्यों देखना, किसी के गुण क्यों नहीं देखना। रिश्तों को जब रहना आपको इन्हीं के संग है तो रोते क्यों रहो, हंसते रहो ना, प्रसन्न रहो ना, खुश रहो ना। खुशहाली कहां से आएगी, आप एक घर में चार लोग रहते हैं। चलो एक सवाल पूछ रहा हूं, जरा उत्तर दो। चार गाय हैं और चारों दिशाओं में गायों ने मुंह कर रखा है, एक गाय ने पूर्व दिशा में मुंह, एक ने पश्चिम में, एक ने उत्तर में, एक ने दक्षिण में, और बीच में घास रखी है। अब बताओ वो कैसे खाएंगे, बीच में घास रखी है और एक गाय ने पूरब की तरफ मुंह, एक ने पश्चिम, एक ने उत्तर, एक ने दक्षिण में कर रखा, अब बताओ कैसे खाएंगे, आप बताओ। एक गाय का मुंह, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक गाय का मुंह पूरब इस तरफ, एक गाय का मुंह इस तरफ, तो दोनों का मुंह बिल्कुल सामने हो गया,
एक गाय का मुंह इस तरफ, एक गाय का मुंह इस तरफ, बीच में घास रखी, खा रही है आराम से, क्या बुराई है? बिल्कुल सिंपल है, चार गाय हैं और चारों दिशाओं में मुंह है भाई, आमने सामने मुंह ना हो जाएगा, ये पूरब ये पश्चिम, तो ये सामने मुंह हो गया, ये मुंह यहाँ, एक दक्षिण एक उत्तर, ये मुंह, चारों का मुंह, चारों का मुंह जाके एक जगह हो जाएगा और एक जगह घास रखी है, खाएंगी चारों एक साथ। यही आपके घर में हो रहा है, आपके घर में भी चार लोग हैं और चारों का मुंह चारों दिशाओं में है। एक रसोई में रोटी बन रही है, खाना एक साथ है लेकिन अलग अलग, इसलिए हम क्या कह रहे हैं समझो, कि आप लोगों का चारों दिशाओं में मुंह है ही, तो चारों दिशाओं में मुंह दो प्रकार से हो सकता है। गाय चारों दिशाओं में मुंह कर सकती है, एक तो ये उपाय है कि एक दूसरे के सामने मुंह करें ऐसे ऐसे, और एक ये भी उपाय है कि एक इस तरह मुंह करके खड़ी हो जाए तो पूंछ हो जाएगी पीछे, घास की तरह पूंछ हो जाएगी गाय की, तो चारों की पूंछ एक जगह हो जाएगी, या तो चारों की पूंछ एक जगह हो जाएगी या तो चारों का मुंह एक जगह हो जाएगा, वो तो दोनों सही है, दोनों में चारों दिशाओं में मुंह है, हाँ या ना। अब आपको देखना है कि आपको भी चारों दिशाओं में तो मुंह है, पर कैसे मुंह करना है। अब जैसे आप पति और पत्नी खड़े हैं, एक दूसरे की पीठ से चिपक कर खड़े हो जाएं तो आपका दो दिशाओं में मुंह हो जाएगा, और एक दूसरे के सामने मुंह के सामने बिल्कुल आमने सामने खड़े हो जाएंगे तो भी दो दिशाएं हैं, हाँ या ना। पति पत्नी जैसे देखो, आप मेरे सामने बैठे हैं तो आपका उत्तर दिशा की तरफ मुंह है और मेरा इस दिशा के सामने की दिशा की तरफ मुंह है, एक तो ये हो गया। एक ऐसा भी हो सकता है कि आप पलट के बैठ जाएं, मैं आप पलट के बैठ जाऊं तो मैं इस तरफ देखने लग जाऊंगा, आप उस तरफ देख, दिशाएं दो ही रहेंगी। अब आपको ये निर्णय लेना है कि पति पत्नी तुम एक दूसरे को पीठ दिखा के रहना चाहते हो या एक दूसरे के मुंह के सामने आंखों के सामने रहना चाहते हो, ये निर्णय आपको लेना है। सास बहू तुम दो हो, एक दूसरे को पीठ दिखा के रहना है या एक दूसरों की शकल देखते हुए, सूरत देखते हुए, एक दूसरे के मुंह के साथ मुंह करके रहने में खुशी मिल रही है, आपको निर्णय लेना है। यदि लड़ोगे झगड़ोगे तो पीठ वाली बात हो जाती है, एक दूसरे को पीठ दिखा गए, और प्रेम होता है तो आदमी एक दूसरे की तरफ मुंह करता है, एक दूसरे की तरफ पीठ तभी करता है जब खटास हो। क्या हो, क्या हो मैया? खटास। तो संतोषी माता के व्रत में क्या छोड़ेंगे आप लोग? खटाई। कौन सी? टमाटर, नींबू, इमली, आम, दही, छाछ, ये तो सब छोड़े बैठे हो, कपट। और प्रेम मोहब्बत से रहो, एक दूसरे के काम आओ, ये जीवन है, जो जैसा है, सास अच्छी है उसे स्वीकार करो, बुरी है जैसी है उसे स्वीकार करो, सेवा करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, बोलो कुछ मत, चुप रहो, जहां जरूरत जितने की बोलो। रिश्तों को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा उपाय है इग्नोर, जो बात आपको पसंद ना हो इग्नोर कर दीजिए, सुनिए मत, हमारी जो बात आपको अच्छी लगे वो सुन लीजिए, जो अच्छी ना लगे मत सुनिए, पति की जो बात अच्छी लगे सुन लो, अच्छी ना लगे इग्नोर, पत्नी की जो बात अच्छी लगे सुन लो, ना लगे तो इग्नोर, सास की कोई बात अच्छी लगे सुन लो नहीं तो इग्नोर, बहू की बात अच्छी लगे तो सुन लो वरना इग्नोर, याद रखना ये मंत्र है इग्नोर, बातों को इग्नोर करना सीखिए आप लोग, इग्नोर नहीं, इग्नोर मतलब नजरअंदाज, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। आप लोगों में क्या होता है कि जरा किसी ने कुछ कह दिया तो आप गांठ बांध के बैठ जाए, मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, कह दिया सो कह दिया, याद रखोगे तो दुख होगा, भूल जाओ और आनंद से रहो।